तो देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख लिया, वो कौन सी मोशन है, इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशन मोशन, ये कौन सी है, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, और ये हम लिख रहे हैं, चलिए करके देखते हैं। इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस अल्फा टी, और ये टी प्लस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे सही लिखा, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा टी स्क्वायर और हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यह हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा टी माइनस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर, यही तो होगा, ठीक है। और थीटा की एक वैल्यू हम जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा नॉट टी प्लस वन अपॉन टू अल्फा टी स्क्वायर, ये भी तो होता है, ठीक है। ये तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन ही है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, क्या आएगी वैल्यू, टू थीटा बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इंटू टी, या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टू इंटू टी, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टू इंटू टी, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट क्या है, ये है ओमेगा एवरेज, क्या है, ओमेगा एवरेज, ठीक है। तो यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर ओमेगा एवरेज इंटू टी, सो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू थीटा बाई टी, आ जाओ जल्दी आया करो, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टू बराबर थीटा अपॉन टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, ओमेगा एवरेज बराबर ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टू बराबर थीटा अपॉन टी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है, थीटा इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो और लिख सकते हो कि ओमेगा एवरेज की वैल्यू क्या होगी, अच्छा ओमेगा क्या है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज की वैल्यू क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी के एवरेज की वैल्यू क्या होगी, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डब्ल्यू एवरेज इज इक्वल टू टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहां तक बात समझ में आई। नोट कर लीजिए, फॉर्मूले हैं, घुमा फिरा के इधर उधर से पूछते रहते हैं, ठीक है, रटा होगा, याद होगा तो हो जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या कैसे निकालना है। तो जब भी हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट अपॉन टू, दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुछ भी दिया होगा तो हम क्या निकाल लेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का एवरेज वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ज्यादातर ये फॉर्मूला काम में आ जाता है, ये जो है ना, कहाँ गया ये वाला, पहला वाली ज्यादा काम आ जाता है, ठीक है, सेकंड भी आता है काम, पता होगा तो हम कुछ भी निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए,
चले आगे चलें, ठीक है। चलो लिखो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी को पता है क्या? बताइए लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज डीवी अपॉन डीटी। क्या सही लिखा है? ठीक है, ये क्या है? एक। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है? अल्फा, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, यही तो होता है। अब ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। देखो फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ये हो जाएगा ए बाई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी अपॉन डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी ओमेगा। और सबको पता है कि v बराबर क्या होता है? v बराबर r ओमेगा, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? d और यहां पे r ओमेगा, ठीक है। और अगर अल्फा r हमारा चेंज ना हो रहा, रेडियस है ना, तो रेडियस एंगुलर वेलोसिटी है, उसी पे हम क्या निकाल रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो रेडियस हमारी चेंज नहीं हो रही है भाई। किसी एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हो तो उसकी रेडियस क्या है? कांस्टेंट ही है, तो अल्फा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी ओमेगा क्या होगा? वन। डी ओमेगा बाई डी ओमेगा क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर डी ओमेगा बाई डी ओमेगा, और ये दोनों कट जाएंगे। ये क्या है? ए बाई अल्फा की वैल्यू है, तो ए बाई अल्फा बराबर आर, तो ये बराबर आर अल्फा, ए बराबर आर अल्फा या अल्फा आर। अब देखो रिलेट कर लो, जैसे वेलोसिटी होती थी कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। कैसे लिखते थे? आर ओमेगा के बराबर लिखते थे, याद है? वी बराबर आर ओमेगा। अब ये क्या है? ए क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन बराबर क्या? आर अल्फा। लगभग लगभग सिमिलर रिलेशनशिप है, ठीक है, सिमिलर रिलेशन है। जैसे v बराबर r ओमेगा तो आपको याद होगा, ये शायद याद ना हो ना, ये नहीं पता होगा। तो a बराबर क्या आ जाएगा? r अल्फा। a बराबर क्या हो जाएगा? r अल्फा। अच्छा वेक्टर का फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये तो क्या है, स्केलर फॉर्म में हमने लिख दिया। वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे? वेक्टर a, वेक्टर a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r, r क्रॉस अल्फा नहीं, अल्फा क्रॉस r। अच्छा इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, इसके प्रूफ में यूनिट वेक्टर लेके कम से कम पूरे दिन भर का डेरिवेशन है, तब जाके आप यहां तक पहुंचेंगे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ए बराबर क्या है? अल्फा क्रॉस आर। उसी तरीके से वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो वेक्टर का फॉर्मेट क्या है? वी बराबर आर क्रॉस ओमेगा नहीं, ओमेगा क्रॉस आर। याद रखिए, एक याद कर लेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, एक याद कर लेंगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा ना, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो आ सकता है वो भाई वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा, स्केलर के फॉर्मेट में नहीं पूछेंगे। वेक्टर के फॉर्मेट में पूछेंगे तो पहले बात तो पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, दूसरी बात क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए ना, तो दोनों चीजें आपको आनी चाहिए तभी आपका हो पाएगा। ये अगर वेक्टर के फॉर्मेट लिखे तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। चलिए नोट डाउन कर लीजिए,
चलिए हेडिंग डालिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एंड सेंटीपिटल फोर्स। चलिए थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, क्या पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, किसी बॉडी के मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। तो क्या होता है, बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, उसमें क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन का लॉ पढ़ा था, ठीक है, कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। और अगर कोई अगर मोशन में हो रही है तो उसपे क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो क्या बॉडी रेस्ट या मोशन की कंडीशन को चेंज कर सकती है, नहीं चेंज कर सकती। क्या बॉडी डायरेक्शन अपने आप चेंज कर लेगा, इनर्शिया पढ़ाया था मैंने आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन पढ़ाए थे आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या तीनों चीजें विदाउट फोर्स चेंज हो सकती है, आपका डायरेक्शन क्या, आप रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं ना, मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, और डायरेक्शन भी क्या है, जो डायरेक्शन में उसी में रहना चाहिए, अंटिल और अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड, अंटिल और अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड। इतनी बात समझ में आई हमको, ठीक है। तो जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या पार्टिकल जो है हम नहीं कर रहे, कौन कर रहा है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है और मैं कहता हूं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसमें क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका कितना है, जीरो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और एक क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्या होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा एसी। और क्या लगेगा, अगर ये एसी नहीं होता तो हमारा, देखिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है ना, पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए हर जगह पे। अच्छा वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या करते हैं, टेंजेंट, यहां पे क्या हुआ, टेंजेंट, और यहां पे क्या हुआ, टेंजेंट, और यहां पे क्या हुआ, टेंजेंट। अच्छा ये बताओ, जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन तो है नहीं, है एक्सेलरेशन नहीं है, तब और इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा होगा, और यहां तो भाई एक्सेलरेशन है नहीं तो फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स कितना है, जीरो है। जब फोर्स जीरो है तो डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है, डायरेक्शन फोर्स एक्सेलरेशन जीरो है तो डायरेक्शन चेंज कैसे हो रही है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, क्या चेंज इन डायरेक्शन पॉसिबल है विदाउट फोर्स, नहीं पॉसिबल है, विदाउट फोर्स चेंज इन डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर हमने बोला कि बॉडी सर्कुलर मोशन में है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो हमने देखा कि इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, एक्सेलरेशन हमारा जीरो है, तो क्या, और एटी का क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर एटी हमारा जीरो हो गया तब तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो इस पार्टिकल की डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इसकी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। और इसका अगर इस पार्टिकल का मैं मास मान लू
मैम तो यहाँ पे m इंटू ए क्या लगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लगा, और उसी एक्सेलरेशन की वजह से ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, और जैसे ही वो फोर्स जीरो हुआ ये बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं करेगी, सर्कुलर मोशन नहीं करेगी। अब ध्यान से रखना, कहीं भी आ सकता है। देखो ये मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये ठीक है, ये स्ट्रिंग में अटैच कर दिया, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक ही है, दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा इसको मान लीजिए मैं रोटेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, तो देखो स्ट्रिंग क्या हो रही है, टाइट हो रही, और जैसे ही अगर मान लीजिए मैं इसको छोड़ दूं तो ये क्या सर्कुलर मोशन करेगा, नहीं करेगा। स्ट्रिंग की टेंशन के कारण ही ये क्या है, स्ट्रिंग की टेंशन के कारण ही ये जो पार्टिकल है वो किसमें है, सर्कुलर मोशन में है। हम लोग पढ़ लेते हैं सेंटीपिटल फोर्स है, सेंटीपिटल फोर्स है, समझ में आ गया, लेकिन क्या समझ में आ रहा है, अगर ये फोर्स देखो, अब देखो स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, तो फोर्स किधर लग रहा होगा, रेडियली इनवर्ड, किधर, रेडियली इनवर्ड। अगर ये वर्टिकल प्लेन की बात करूं, दो तरह का, अच्छा सर्कुलर मोशन ऐसे भी हो सकता है, देखो ये भी तो सर्कुलर मोशन है कि नहीं है, ये कौन सा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा स्ट्रिंग ये क्या हुआ, इसकी टेंशन मैंने छोड़ दी, तो टेंशन जैसे ही इसकी क्या हुई, टेंशन इसकी जीरो हुई, तो वैसे ही पार्टिकल क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, सेंटीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्या यह बात समझे कि रटे, समझ में आया, ठीक है। तो सेंटी अगर भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फोर्स जरूरी ही है ना, उसके बिना तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके पास तो भाई एक्सेलरेशन का चेंज हो नहीं रहा, तो कौन सा डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, सेंटीपिटल कर रहा होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक मिनट बेटा, आप लोग इसको बात को समझिए, डायग्राम बनाइए, बॉडी आर ए पार्टिकल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, अ बॉडी आर ए पार्टिकल मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ ऑलवेज मूव इन ए सर्किल At any instant. A body or particle moving on a curved path always move effectively
इन ए सर्किल एट एनी इंस्टेंट, ये वो वाला लाइन लिखा रहा हूं जो पढ़ाया था ना आपको कि कोई भी अगर सर्किल मूव तो कंप्लीट सर्किल मूवमेंट होना जरूरी नहीं है, मान लो यहां पे भी है तो ये क्या है, ए पार्ट ऑफ सर्किल है। अच्छा इतना आर्क लेने की भी जरूरत नहीं है, अगर हम कहें कोई पॉइंट है, ये पॉइंट भी क्या कर रहा है, एक पार्ट ऑफ सर्किल है, ये पॉइंट है ना ये भी क्या है पार्ट ऑफ सर्किल है, तो कोई भी पॉइंट क्या है पार्ट ऑफ सर्किल है, ठीक है। तो वही लाइन लिखा है, ए बॉडी आर ए पार्टिकल मूविंग इन ए कर्व पाथ ऑलवेज मूव इफेक्टिवली इन ए सर्किल एट एनी इंस्टेंट, हो गया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस मूविंग ऑन द कर्व्ड पाथ, मूविंग ऑन अ कर्व्ड पाथ, दिस चेंज इन वेलोसिटी, दिस चेंज इन वेलोसिटी, दिस चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, तो ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ब्रैकेट में लिख लो, डायरेक्शन इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, लिख लो डायरेक्शन इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग मैग्नीट्यूड इज कॉन्स्टेंट, दिस चेंज इन वेलोसिटी ब्रैकेट क्लोज इज ब्रॉट बाई अ फोर्स, इज ब्रॉट बाई अ फोर्स नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, दिस चेंज इन वेलोसिटी इज ब्रॉट बाई अ फोर्स नोन एज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड द एक्सेलरेशन सो प्रोड्यूस, एंड द एक्सेलरेशन सो प्रोड्यूस इन द बॉडी, एंड द एक्सेलरेशन सो प्रोड्यूस इन द बॉडी इज नोन एज, इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा देखो ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। यहां पे मैंने स्ट्रिंग को छोड़ दिया, अगर इस वाले पॉइंट पे स्ट्रिंग को छोड़ दिया तो ये क्या होगा, इसी डायरेक्शन में चला जाएगा, इसी डायरेक्शन में ये क्या होगा रिलीज हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन चेंज करके यहां तक कौन ला रहा है, कौन ला रहा है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसको लेके आ रहा है, इसका डायरेक्शन कौन चेंज कर रहा है, सेंट्रीपेटल कर रहा है, और कोई फोर्स नहीं है इस पे, और कोई फोर्स है नहीं है, कौन सा है, अच्छा सेंट्रीपेटल कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, कोई भी अलग टाइप जो हमने फोर्स पढ़े है ना उन्हीं में से क्या करेगा, एक्ट करेगा। जैसे अभी हमने फोर्स भी तो ये टेंशन फोर्स ही क्या होगा, टेंशन फोर्स विल एक्ट एज ए सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, ये उन्हीं टाइप का फोर्स है, कोई भी फोर्स विल एक्ट कर सकता है, कैसे सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे मान लो न्यूक्लियस में घूमते हैं, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, वहां पे क्या होगा, मतलब कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, वो भी किस तरह एक्ट करेगा आपका, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में, तो वो कोई अलग टाइप का सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स जैसे टेंशन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कैसे एक्ट कर सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपेटल, अच्छा ये लिखा दिया मैंने, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल, इक्वेशन ही एक्सप्रेशन, इक्वेशन ही लिख दो चाहे, इक्वेशन आर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन,
बनाइए, इसको बना लीजिए। नोट कर लीजिए। क्या हो गया? नोट कर लिए, समझा रहे हैं। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, बहुत ज़्यादा तुम लोग के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन करा दे रहे हैं। देखिए इसमें ये है, देखिए पार्टिकल जो है हमारा, ये क्या कर रहा है, पी किसी टाइम टी पर कहाँ पे था, पी वन पे था, किसी टाइम टी पर कहाँ पे था, पी वन पे था, उसके बाद क्या हो गया, पी टू पे पहुंच गया, कितने समय बाद, डेल्टा टी समय के बाद। तो यहाँ पे पोजीशन किस जगह पे हम लिखी, टी प्लस डेल्टा टी पर, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, वी वन थी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी टू है, डायरेक्शन के सहित मैंने बनाया है, ठीक है। इधर वेलोसिटी क्या है, वी वन, इधर क्या है, वी टू, तो डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा वी बराबर वी टू माइनस वी वन, और मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, क्या होता है, वी टू में प्लस कर देते हैं क्या, माइनस वी वन, यही तो क्या वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, वेक्टर एडिशन ही है, क्या करते हैं दूसरे वाले वेक्टर का निगेटिव ले लेते हैं, तो वेक्टर एडिशन मैंने बताया था। ये वेक्टर देखो कैसा है, ये क्या हो गया, डेल्टा वी बराबर वी टू प्लस माइनस वी वन, तो वी टू किधर है, वी टू इधर है, तो हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, और वी वन कैसा है, ऐसे है, तो हमने ऐसे बना दिया पलट के, ठीक है, तो इसको इसको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी, क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। अब देखो ओ पी वन पी टू एंड ए बी क्यू, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ये क्या है, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि एंगल वगैरह जो ले रहे हो वो क्या है तुम्हारा, सेम है। तो यहां से पी वन पी टू अपॉन पी टू ओ, ठीक है, बराबर ए बी, इन दोनों के बाद यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी वन पी टू, दोनों के बीच में डिस्टेंस पी वन पी टू, और यहां पे निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एस, ये हो जाएगा डेल्टा एस, और ये क्या हो जाएगा, पी वन पी टू अपॉन पी टू ओ बराबर ए बी, ए बी अपॉन ए क्यू, ए बी अपॉन ए क्यू, ए क्यू ले लो या बी क्यू ले लो, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम ही है। हमने माना है कि वी वन और वी टू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, वी के बराबर है, तो डेल्टा एस अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी,
इसकी लिमिट ले लेंगे तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस इज इक्वल टू लिमिट वी अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा वी हो जाएगा। तो ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी करा दिए, ठीक है। वी स्क्वायर अपॉन आर आपको पता ही है, नोट कर लीजिए, कहीं मान लीजिए फंसा रहे हैं कहीं पे क्वेश्चन में तो जानते हो कि कहां से छोटा सा डेरिवेशन है, इसलिए करा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। अच्छा इसका फॉर्म इंपॉर्टेंट है, जैसे ए सी बराबर क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, इसकी वैल्यू रख दो, वी की वैल्यू क्या आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर क्या हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, ए सी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर बराबर आर ओमेगा स्क्वायर, नोट कर लीजिए। और लिख सकते हो ए सी बराबर और कोई फॉर्मेट बताइए, और कोई फॉर्मेट हो सकता है क्या, बताइए और क्या हो सकता है, जैसे AC बराबर आ ओमेगा, ओमेगा ले लो और R ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू वी, हो सकता है ना ओमेगा इंटू वी, नोट कर लीजिए। अच्छा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, वेक्टर फॉर्मेट याद रखेंगे AC बराबर ओमेगा क्रॉस वी, ये नोट हो गया है इधर वाला, बताओ ए सी बराबर ओमेगा क्रॉस वी, ए सी बराबर ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। अच्छा देखो ए सी बराबर क्या बोला ओमेगा क्रॉस वी, ए सी बराबर ओमेगा क्रॉस वी, ठीक है। अब चलिए आपको ओमेगा का डायरेक्शन मैंने बताया था निकालना, आप लोगों को शायद याद हो, याद है क्या, राइट हैंड थंब रूल कुछ बताया था, याद है पक्का, चलो बताओ ये जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, पेन हटा दिया सब लोगों ने, अब बताएंगे जल्दी बताइए, बताओ बेटा अंदर की तरफ, कितने लोग कह रहे हैं इनवर्ड, पक्का श्योर है सब लोग ने राइट हैंड यूज किया है, ठीक है। बाहर की तरफ कोई कोई बोल रहा है क्या, बताओ तनु बताओ किधर होगा बेटा, नहीं पता, पता नहीं है, मुलाकात नहीं उससे कभी तुम्हारी, हाँ तुम अब्सेंट क्यों हो तीन चार दिन से, क्या तबीयत नहीं ठीक थी, जिंदगी में पहली चीज है सबसे पहला अपना स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं ध्यान रखेंगे कुछ नहीं होगा ना, और बेसिकली एग्जाम टाइम में ना, अभी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ना तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, तो वैसे भी आप लोग डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टर बनने का तो और ज्यादा, आजकल को टाइम में सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हेल्थ ही है, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, और भले आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये ना हो कि आप बैठे हुए आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाए ना, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो सबसे पहले अपना हेल्थ इश्यू करो। अच्छा एक बोलो तो बता दूं, मैं आजकल फॉलो कर रहा हूं थोड़ा बहुत, एक सात्विक मोटिवेशन करके चैनल है, सत्विक करके ना, बहुत अच्छा बता रखा उसने, सत्विक करके चैनल है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा ग्रुप पे देख लेना, बहुत मतलब उसने बहुत हेल्दी ईटिंग और बहुत अच्छे से बताया हुआ है, काफी बहुत बेटर चैनल है, मैं चैनल का प्रमोशन मैं कर रहा हूँ,
लेकिन वास्तव में अच्छा है, मतलब जैसे कोई ऐसे फेक क्लेम्स नहीं है, बहुत अच्छा उसमें खाने पीने का बहुत अच्छा तरीका बताया हुआ है। तो थोड़ा सा फॉलो करो, अपने आप को एकदम हेल्दी मेंटेन करके रखो, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है ना। चलो बताओ इसमें क्या होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड होगा ना। तो अब देखो एसी का डायरेक्शन जरा देखिए क्या मैच कर रहा है। देखो हमने बोला ये रोटेशन है, इधर हो गया तो मिटाल दो, हो गया। चलो एसी बराबर क्या आ रहा है, ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी ये है। अब देखो हमारा मूवमेंट, ये बॉडी जो है ये इधर मूव कर रही है ना, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, किधर होगा वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, किधर है, टेंजेंशियल। अब मैंने बोला कि इसका एक्सलेशन किधर लग रहा है, बताओ, इनवर्ड लग रहा है, ये हो गया हमारा सेंटर, यहां पे बॉडी पहुंची तो ये अभी भी क्या लग रहा है, सेंटर पे, यहां पे पहुंची तो ये हो गई वेलोसिटी और ये क्या हो गया, सेंटर पे लग रहा है, यहां पे पहुंचा तो ये वेलोसिटी इधर, और किधर लगा, सेंटर, यहां पे पहुंचा तो ये वेलोसिटी और एक्सलेशन इधर। अच्छा एक्सलेशन इधर ही क्यों, इसको थोड़ा समझने की चर्चा करते हैं। एसी बराबर ओमेगा क्रॉस वी, तो हमें समझ में आया कि ये इधर मूव कर रहा है तो ओमेगा किधर होगा, आगे होगा। अब ओमेगा क्रॉस वी निकालना है, क्या निकालना है, ओमेगा क्रॉस वी, फिर राइट हैंड रूल अपने, इसको क्या करेंगे, यहां ओमेगा क्या हो गया, इधर देखो ओमेगा इधर और गए किधर, वी की तरफ, ये सारे क्या हैं बताइए, इधर गए तो किधर आया, एसी रेडियली इनवर्ट। चलो यहां चलें, यहां गए, किधर है ओमेगा बताओ, ओमेगा किधर है, आगे आगे और इधर चले, किधर आया, अंदर, फिर यहां पे आ गए, यहां तक सही है, ठीक है। अब कहां चले, यहां, यहां पे कहां है ओमेगा, ओमेगा तो आ गई है, और किधर चले, वी की तरफ, ओमेगा क्रॉस वी करना है ना, तो क्या चले, ओमेगा क्रॉस वी, किधर गए, अरे गलत हो गया क्या, नहीं सही तो है, ओमेगा क्रॉस वी किधर हुआ, रेडियली इनवर्ट। चलो यहां पे पलते हैं, यहां पे चले तो कहां पहुंचे, देखो कहां पे हैं, इधर है ओमेगा, और ओमेगा से वी किधर पहुंचे, ऊपर, क्या हर जगह सही है, ठीक है। तो हमारा सेंटीपिटल एक्सलेशन क्या होगा, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट। ये तो रोटेशन क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज में भी चेक कर लें एक बार, ये तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में भी चेक कर लेते हैं तो श्योर हो जाएगा ना। चलो क्लॉकवाइज में चेक करते हैं, ये मोशन कैसे हो रहा है हमारा, क्लॉक वाइज। अब बताओ इसमें ओमेगा का डायरेक्शन पहले बताओ, अंदर हो रहा है, क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है, अंदर की तरफ है, अब अंदर से कैसे आए बाहर भाई, ये तो कंफ्यूजन हो गया, कैसे होगा, हाँ, अब उधर से चलेंगे ना, तो वहां से तो हाथ ही मुड़ जाएगा, वहां से देखो ऐसे चले, ये इस वाले पॉइंट के लिए देखो किधर है ओमेगा, किधर है, अंदर है, तो ये इन फिंगर कहाँ गई, अंदर के डायरेक्शन में, और किधर आए, आउटवर्ड, ये वी है ना, ये क्या है बेटा, वी है, तो अंदर थे हम, अंदर से किधर आए, वी की तरफ, किधर लगा, नीचे, किधर हो गया है। अब इसके लिए सबके लिए ही होगा, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, देखो अंदर है ना, अंदर है ओमेगा, और किधर आ रहा है, वी इधर, तो ऐसे किए और ऐसे किए, किधर आया, इस डायरेक्शन में आया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन इधर लग जाएगा, सभी पॉइंट के लिए क्या होगा, ये इक्वेशन ट्रू होगी, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, इनवर्ड होगा, क्या होगा, इनवर्ड होगा। सेंटीपिटल फोर्स किधर होगा, वो भी इनवर्ड होगा। अच्छा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर होगा, आउटवर्ड होगा, वो बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। हेडिंग डालेंगे सेंटीपिटल फोर्स, हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल फोर्स,
सेंट्रीपिटल, पता नहीं बेटा स्पेलिंग क्या, देख लेना स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बताता हूँ उसको बनाइए, सेंटीपिटल फोर्स। हो गया ठीक है, इसमें लिखिए v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। नींद आ रही है, नींद आ रही है, बीच बीच में झपकी ले रहे हो, सोए नहीं हो गया बेटा, तबीयत नहीं ठीक है, आधे बीमार है मेरी क्लास में, आधे बच्चे बीमार है क्या, तुम भी बीमार हो, बहुत सही। देखिए नींद निकालना कितना जरूरी, इट्स अ बिग मार्केट, आपके पास ही 10 बीमार बैठे हैं, बड़ी मार्केट है कि नहीं है, है ना, और कभी नहीं खत्म होने वाली, कोरोना में तो और आ रहा है ना, हेल्थ केयर सेक्टर कभी, हेल्थ केयर और शिक्षा कभी डाउन नहीं होगी, शिक्षा वर्ग में तो आ गए हैं वो लोग ऑनलाइन वाले शिक्षा को अफेक्ट करने, लेकिन ऑफलाइन का भी अपना चार्म है, वो भी खत्म कभी नहीं होगा, डॉक्टरों का भी तोड़ आ चुका है लेकिन कोरोना में सब फेल हो गए, ऐसे चौंक रही हो, हाँ डॉक्टरों का तोड़ आ चुका है, नहीं जानते हो, डॉक्टरों का तोड़ आया IBM वॉटसन, नाम सुना है बेटा, कंप्यूटराइज डिवाइस है, और अफ्रीका के जंगलों में जहाँ पे डॉक्टरों की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, तो वहाँ पे जो ट्राइबल्स एरिया है और अफ्रीका के बहुत अनडेवलप्ड एरियाज है, वहाँ पे यूनिसेफ और इन लोग ने, यूनेस्को और सब लोगों ने क्या किया, डोनेट किया हुआ है, इसके मेमोरी में सारी चीजें हैं, जैसे कंप्यूटर में तो हर डेटा स्टोर कर सकते हो, कोई भी बीमारी है आप जैसे देखते हो कि काल आंख पीली है नीली है तो उससे क्या बीमारी होगी, डायग्नोस के तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, वो डिवाइस है, आप जाके उसके सामने खड़े हो जाइए, वो अपने आप आपको डायग्नोस कर लेगी, आपको बता देगी कि ये मेडिसिन आप ले लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। अच्छा उसकी प्रोसेसिंग क्या है भाई, इंसानी दिमाग तो क्या है, 2-4-5 चीजें, हो सकता है भूल भी जाए, बट कंप्यूटर तो कुछ भूलेगा नहीं, ठीक है, इसको मशीन लर्निंग, अब तुम लोग थोड़ा नहीं समझ पाओगे, मशीन लर्निंग होता है एक चीज, मशीन लर्निंग का नाम सुना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, थोड़ा बहुत नाम सुना है, जैसे हम मान लीजिए डॉक्टर है, हम कितना रिसर्च पेपर पढ़ सकते हैं एक बार में भाई, अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर भी है वो भी पढ़ाई नहीं करता है, वो पैसे कमाने में लगा कि पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई कर लिया तब डॉक्टर बना है, उसके बाद तो पढ़ नहीं रहा, एक्सपीरियंस से इलाज कर रहा है, लेकिन जो ये मशीन लर्निंग होता है, मशीन अपने आप को लर्न करती है, मान लीजिए लीवर सिरोसिस है किसी को, उसकी कोई नई टेक्नोलॉजी, किसी रिसर्च का बंदा है जो मेडिकल में, जिसने रिसर्च किया, एक अलग उसने प्रोसीजर डेवलप किया कि इससे लीवर सही हो सकता है, या कैंसर का उसने दवा खोज दिया, तो कोई पर्सन तो उसको सीख नहीं रहा है ना, कोई पर्सन उसको सीख नहीं रहा, लेकिन मशीन उसको लर्न कर लेगी और वो क्या करेगी, बेटर रिस्पॉन्ड करेगी, तो वहां के USA वगैरह में साइंटिस्ट वगैरह ने तो वहां पे बैन करा दिया इसको, कि पूरी मार्केट खा जाएगा ये ना, लेकिन फिर भी ये ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, ट्रायल बेसिस पे अफ्रीका वगैरह में या अनडेवलप्ड जहां पे बिल्कुल भी डॉक्टर्स नहीं है वहां पे इसको भेजा गया है, डोनेशन में है, ठीक है, IBM वॉटसन ये एक तरीका कंप्यूटर है, वो पूरी डायग्नोसिस कर लेता है, पूरी आंख खराब है तुरंत बता देगा ये चीज है, अगर दवा भी प्रिस्क्राइब कर देगा तुरंत फटाक से, तो ऐसा नहीं है, आपकी जॉब पे भी थ्रेट है इसलिए पढ़ना है, ठीक है। अच्छा इसको बनाया तो आप ही लोग ने है, कंप्यूटर कभी भी मतलब हम लोग से आगे नहीं जा सकता, बनाया तो उसे हम ही ने है ना, चलिए ये सब फालतू की चीजें हैं, फालतू का ज्ञान नहीं लेंगे, पढ़ाई करेंगे, चलिए वेलोसिटी, लेकिन जाने दो दुनिया में क्या होता है क्या नहीं होता, पता तो रहे कम से कम, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, नहीं वॉटसन को सर्च करिएगा 10-5 मिनट का, देख लीजिएगा क्या चीज है, पता रहे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड आर इज द रेडियस ऑफ पाथ, सेंटीपिटल फोर्स बराबर, सेंटीपिटल फोर्स FC बराबर क्या, मास इनटू
एसी मास इंटू एक्सलेशन क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम बी स्क्वायर अपॉन आर या एम बी ओमेगा, हाँ यही है ना, ठीक है। एम बी ओमेगा नोट कर लीजिए। अच्छा इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे एम आर ओमेगा स्क्वायर है ना, यहां पे रेडियस क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस वेक्टर जब हम लेते हैं बेटा, रेडियस वेक्टर जब लेते हैं तो ओरिजिन से लेते हैं, ये कैसे लेते हैं, ये रेडियस वेक्टर लेते हैं, क्या करते हैं, ये रेडियस वेक्टर हम लेते हैं, बट एक्चुअल में ये क्या है, रेडियली इनवर्ड है, क्या है, रेडियली इनवर्ड है, तो हम इसको लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, इन वेक्टर फॉर्म हम क्या करें, एफ सी बराबर क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीट्यूड किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसे अगर मैं आर कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, आर कैप यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, अगर उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म आर कैप। अच्छा आर कैप करूंगा तब तो ये आगे की तरफ चला गया ना, ये क्या हो गया आगे की तरफ, भाई रेडियल में क्या होता है बेटा, आर कैप बना रहे, इसका मतलब ये क्या है, ये है ना वेक्टर आर, तो आर कैप क्या होगा, इस दिशा में होगा, तो इसके हमें तो चाहिए फोर्स किधर, अंदर, तो यहां पे क्या लगा दूं, आर की एक क्या लगा दूं, निगेटिव साइन या माइनस आर कैप, तो ये हो जाएगा क्या, एफ सी वेक्टर, क्या हो जाएगा, एफ सी वेक्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि हमें क्या लेना है, रेडियली इनवर्ड लेना है, आर कैप जो वेक्टर है वो क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, तो आर कैप है, हमें क्या लेना है फोर्स, रेडियली इनवर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक निगेटिव साइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एक निगेटिव साइन लगा देंगे। और इसको लिख सकते हैं, एक और फॉर्म है एफ सी बराबर एम और ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, इसको भी नोट कर लीजिए, एफ सी बराबर एम ओमेगा क्रॉस वी, एम ओमेगा क्रॉस वी, लेकिन कोरोना ने पूरी साइंस खत्म कर दी, मतलब जितने डॉक्टर और जितने इंजीनियर जितने साइंटिस्ट थे जितनी रिसर्चें थी सब खत्म कर दिया कोरोना ने, ऐसा लग रहा था हिंदुस्तान वाले ज्यादा काबिल हैं, पूरा वर्ल्ड परेशान था, सबसे सबसे कम कैजुअल्टी हुई है इंडिया में, सबसे कम कैजुअल्टी हुई है पूरे वर्ल्ड में, अगर रेशियो देखा जाए तो इंडिया में कैजुअल्टी की संख्या क्या है, बहुत ही कम है, इटली वगैरह के मतलब, और देखो चाइना वाइना में मतलब लोग ऐसे मर रहे थे कि पता नहीं चल रहा था, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग थोड़ा सा प्रकृति से जुड़े हैं ना, जो हम लोग मसाले खाते हैं, या हम लोग का खाना अभी उतना खराब नहीं हुआ, खाना हमारा उतना खराब नहीं हुआ, जैसे आपने देखे होंगे जानवर वगैरह होते हैं वो ज्यादा बीमार नहीं होते, मतलब कभी तोते को देखा है कि मतलब वो बुखार चढ़ गया उसको, नहीं होता, बकरी वकरी बीमार नहीं होती है, मतलब कम बीमार होते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हमारी बॉडी जो बनी है, आप लोग तो ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैं नहीं जानता, बॉडी जो बनी है वो नेचुरल खाने के लिए बनी है, किसके लिए, नेचुरल खाने के लिए, खाने को जितना ज्यादा आप प्रोसेस करेंगे, जितना ही ज्यादा प्रोसेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको क्या डिफिकल्टी होगी उसको डाइजेस्ट करने में, और जहां डाइजेशन वीक हुआ आपका तो उससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू आप वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो अगर आप फल फूल खाइए, पत्ती खाइए, मतलब नेचुरल फॉर्म में जो प्रकृति हमको दे रही है ना, केवल उसी धूल डाल के उसी फॉर्म में क्या कर लीजिए, उसको कंज्यूम कर लीजिए, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे, आप बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ेंगे और हेल्दी भी रहेंगे, और आपका सारी चीजें फिटनेस एकदम मेंटेन रहेगी, और अगर आपने उसको जैसे बर्गर है पिज्जा है हाई प्रोसेस्ड है, रिफाइंड ऑयल है,
2000-3000 डिग्री सेल्सियस पे वो रिफाइंड, वो बोलता नाम है क्या वो रिफाइंड ऑयल, वो क्या है, बर्बाद ऑयल कोई मतलब नहीं है उसका ना, कोई भी मतलब नहीं है। और हम लोग ये चाइनीज फूड में खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, एकदम कूड़ा खाना है, उसको तो बिल्कुल कंज्यूम मत करिए। ये पास्ता फूड और मैगी वैगी सब खाना बंद कर दीजिए। मैगी को बताते हैं ना प्रोसेस करने में लगभग 24 से 48 घंटे लगते हैं, 48 आवर आपके पेट में रहती है मैगी, उसके बाहर निकलती है, तो वो क्या कर रही है, सड़ी रही है, बहुत डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो उससे आप बीमार पड़ेंगे। आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, पहले अपनी हेल्थ की केयर करना शुरू करिए ना, तभी तो आगे बढ़ेंगे। नेचुरल खाना खाइए। चलिए लिखिए, सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन, इट इज ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। ये क्या है, सेंटीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या है, ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट लिखिए, इट इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, एनी काइंड ऑफ फोर्स, इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स फुल स्टॉप, एनी काइंड ऑफ फोर्स अवेलेबल इन नेचर सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स टेंशन फोर्स सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स टेंशन फोर्स कैन एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स, कैन एक्ट एज सेंटीपिटल फोर्स। दोबारा बोल दूं, इट इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स, एनी ऑफ द फोर्स फाउंड इन नेचर सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स कैन एक्ट एज अ सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल फोर्स। हेडिंग डालिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। AC is not equal to zero, velocity is not constant, velocity constant नहीं है, और A net या AT बराबर क्या होगा, AT square plus AC square, नोट कर लीजिए। अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए कोई पार्टिकल है अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है कि चेंज कर रही है,
चेंज कर रही है, और जीरो भी नहीं होगी, जीरो होगी तब तो कोई बात ही नहीं है, जीरो नहीं होगी, क्या होगी, वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी, तो उससे पे क्या आएगा, एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि ये तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा आपका क्या, टेंजेंट के डायरेक्शन में, वो क्या होगा, रेडियल होगा, तो दोनों का नेट लेंगे तो हम क्या करेंगे, दिस नेट ए नेट इज इक्वल टू एसी प्लस एटी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो दोनों का क्या होगा, एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, एटी क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एसी क्या है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो आपके में बहुत मुश्किल से आएगा, आएगा तो केवल इतने फॉर्मूले से काम चल जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हमारा एटी कंपोनेंट भी होगा, और जब एटी कंपोनेंट होगा तो क्या होगा, अल्फा भी होगा, ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, कल पढ़ाया था ना आपको, अगर एटी जीरो तो अल्फा जीरो, अगर अल्फा जीरो तो एटी जीरो, पढ़ाया था ना, वही चीज है, यहाँ पे क्या है अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, नोट कर लीजिए, बिजनू सर टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या, बन रहा है, कितना टाइम लगेगा, अच्छा घर जाके एनालिसिस लिखा था तुम लोगों ने, बोला था ना लिखा था, ईमानदारी से बताओ लिखा था, लिखा था कि नहीं लिखा था मन में, और कितने हाथ उठाओ तुमने लिखा था, और ईमानदारी से बताइए, मैं कॉपी मंगा लूंगा कल, लिखा था और तुमने नहीं लिखा, क्यों, लिखो लिखो, लिख के करो, कुछ चीजें लगती हैं बेवकूफों वाला काम, लेकिन करने से उसको समझ में आता है, कभी कभी लगता है इससे करके क्या होगा, अच्छा ये कर रहे हैं, अरे वो सर ऐसे ही बता रहे हैं कुछ नहीं होगा उससे, करो बेटा करो, अप्लाई करो, छोटी छोटी चीज है ना, धीरे धीरे करके ही सफलता मिलेगी, जो बता रहे हैं उसको अप्लाई करते जाओ एकदम ब्लाइंड ना, चलिए उसको करिए, जब आप पढ़ोगे ना, अब उसी को जिन बच्चों ने लिखा है ना, एक हफ्ते बाद पढ़ना आप उसको, तो आपको लिखोगे मैंने लिखा था ये, आपको डाउट होगा कि आपने नहीं लिखा था उसको, अरे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, खुद डाउट होगा तुम्हें, कह रहे अरे मैं तब बेवकूफ था, या एक महीने बाद पढ़ना तो, कह रहे मुझे ये भी नहीं आता था ना, वो फीलिंग आपको आएगी, तो आपको एक्चुअल में अपनी प्रोग्रेस समझ में आएगी, आप अपना जो आज लिखे है ना, इस चीज को आप एक महीने बाद पढ़िएगा ना, तो आपको समझेगा अच्छा मैं उस समय मुझे ये भी नहीं आता था, अच्छा अब तो आता है, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा मैं प्रोग्रेस कर गया, इसका मतलब क्या है मैं ये सीख गया, उस समय पे मुझे ये नहीं आता था, दो महीने बाद देखो, ऐसे धीरे धीरे जब देखोगे ना तो अपनी एनालिसिस पता चल दिया, और सेल्फ एवोल्यूशन से यहाँ का टेस्ट होता है, सब कुछ बेटर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो आप अपना एवोल्यूशन करते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि डेली आप पढ़िए, डेली अपने आप को क्या करिए इंप्रूव, डे बाई डे जो आज आप प्रेजेंट है कल उससे बेहतर बनिए, हर चीज में, पढ़ाई में, लिखाई में, इंसानियत में, एक बेहतर इंसान बन के कल निकलिए, जो आज पढ़ाया है कुछ उससे बेटर कल सीखें, आज कुछ और सीखें ना, चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी लिख लो हेडिंग में, हेडिंग डालो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो क्या होगा, 80 बराबर 0, और क्या होगा वेलोसिटी बराबर क्या, वेलोसिटी क्या होगी कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी बराबर कॉन्स्टेंट, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू जीरो, और एटी की वैल्यू, अब हमारी एटी की वैल्यू जीरो है तो ए नेट क्या होगा, ए नेट बराबर क्या होगा, ए नेट इज इक्वल टू ए सी प्लस एटी, या ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, ए नेट बराबर हो जाएगा ए सी, क्या हो जाएगा ए नेट बराबर ए सी, भाई सेंटीपिटल फोर्स ही लगा ना, और कोई भी फोर्स इस पे नहीं लगा, अच्छा ए सी की वैल्यू ए नेट बराबर ए सी बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, हेडिंग डालेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई भी कर्व है, मैंने कहा था कि अगर कोई भी कर्व पे भी मोशन हो रहा है तो वो क्या है, वो पार्ट ऑफ सर्किल है। क्या है? पार्ट ऑफ सर्किल है। तो कोई गाड़ी है आपकी, तो उससे क्या कर रहे हैं आप, इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पे यहाँ पे है तो ये भी क्या होगा, एक पार्ट ऑफ सर्किल होगा, ये क्या होगा, पार्ट ऑफ सर्किल होगा। या कोई कर्व है, मान लीजिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो ये क्या होगा, एक पार्ट ऑफ सर्किल है। और पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पर भी है, पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पर भी है, तो वो पॉइंट भी क्या होगा, एक सर्किल का ही क्या होगा, पार्ट होगा, क्या होगा, सर्किल का ही पार्ट होगा। तो उसका जो सेंटर हो गया, ठीक है, यहां पे है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये वी, और इस पे एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा ए सी, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा होगा ना, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन किसकी वजह से है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, और कोई मोशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी आर, ये जिस सर्किल का ये पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसमें लिखो आर ओ सी, आर ओ सी बराबर, जैसे ए सी बराबर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ए सी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर बराबर क्या हुआ, वी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो वही आर को ही तो क्या बोल देंगे, आर ओ सी, क्या बोल देंगे, आर ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए सी, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए सी, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर एक लाइन और लिखाऊं। अब देखिए v क्या है, v आपका क्या है, लीनियर वेलोसिटी, क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखेंगे, लीनियर वेलोसिटी के एक्सेलरेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम आर ओ सी की एक और डिफिनेशन लिखेंगे, आर ओ सी बराबर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, आर ओ सी बराबर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, बात समझ में आए, कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, आर ओ सी बराबर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। अब एक छोटा सा सवाल देते हैं, आप इसी फॉर्मूले को लगाना है, क्या लगा पाओगे, प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ लिया, सबने पढ़ा है ना प्रोजेक्टाइल, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड आर ओ सी, फाइंड आर ओ सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, फाइंड आर ओ सी वेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, वेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, वेन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, फाइंड द आर ओ सी वेन द ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, वेन द प्रोजेक्टाइल वेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह करके लिख लो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट सम एंगल इन प्रोजेक्टाइल मोशन, देख लो क्वेश्चन समझ लो,
क्या किया गया है, ग्राउंड से क्या किया गया है, इसको फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, जब हमारा क्या है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे, तो ये क्या है पार्ट ऑफ, क्या है पार्ट ऑफ सर्किल पे, पार्ट ऑफ सर्किल है। और यहाँ पे मान लो क्या इनिशियल वेलोसिटी यू है, एंगल मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पे आरओसी क्या होगा, यहाँ पे आरओसी क्या होगा बताइए। देखो आरओसी क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर। क्या मैक्सिमम हाइट पे केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, अगर यू है तो यू कॉस थीटा ही होगी, यू साइन थीटा नहीं होगी। तो ये मैं कह सकता हूं लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई। अरे तुम कहां चल रही है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारी हो गई यू कॉस थीटा। अच्छा ये हो गया हमारा सेंटर, अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, यहां पे है, तो नीचे एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ, नीचे एक्सेलरेशन कितना लग रहा होगा, माइनस जी, क्या लग रहा होगा माइनस जी, या डायरेक्शन नहीं लेते हैं तो क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ है तो क्या लग, मान लें जी, क्या लग रहा होगा जी। अच्छा देखो अब हमने क्या बोला, आर ओ सी बराबर क्या, फॉर्मूला याद करिए, लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यू कॉस थीटा का क्या कर दूं स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, क्या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन जी है, बिल्कुल क्या है जी है, जी की जी स्क्वायर जी। तो ये वैल्यू आ गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और उसी की वैल्यू क्या हो गई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। पूछा जा सकता है प्रोजेक्टाइल में भी, ठीक है ना, उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था, पूछा जा सकता है प्रोजेक्टाइल में भी, ठीक है। फाइंड द आरओसी ऑफ द पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, क्या निकाल लेंगे, क्या किसी भी हाइट में निकाल लेंगे बताओ, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्यों नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, क्या किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या उस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं, क्या उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सब निकाल सकते हैं, तो हम आरओसी भी निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। देखो समझाते हैं, ये पार्टिकल पहुंचा कहां पे, यहां पे, तो हम क्या कर दिए, बात समझ में आई, अब यहां पे वेलोसिटी क्या इधर, और इसका सेंटर कहां पे, सेंटर कहां पे, यहां पे, तो इस पॉइंट पे हम क्या वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है, इस वेलोसिटी को हम क्या कर लेंगे। अब हमें एसी कौन सा चाहिए, वेलोसिटी तो यही हो गई, ये वेलोसिटी तो निकाल लेंगे ना, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, प्रोजेक्टाइल की किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने निकालना आपको बता रखा। अब हमें एक्सेलरेशन कौन सा चाहिए, एक्सेलरेशन किधर लगा, ये लगा जी, ये क्या लगा जी, तो जी कौन सा चाहिए, ये जी होगा जी नहीं होगा, इस एक्सेलरेशन का इस दिशा में क्या होगा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा इस दिशा में कंपोनेंट, जो लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन क्या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, तो ये जो भी होगा इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, यहां पे करके एंगल एंगल दिया होगा जो भी, तो उसको क्या करेंगे, उससे हम क्या करेंगे इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे, आरओसी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे आरओसी निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत कम आता है इसमें, लेकिन जाने रहिए, आएगा तो कर लीजिएगा, कर लेंगे, ठीक है, आरओसी अगर यहां पे आएगा, इधर पे आएगा, तो यहां पे भी कर लोगे ना, यहां पे कर रखे क्या होगा एक्सेलरेशन कौन सा निकालोगे, एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, इसीलिए सबसे सिंपल सवाल यही है, जब ये ओरिजेंटल क्या हुआ मैक्सिमम हाइट पे है तो वेलोसिटी क्या हो गई ओरिजेंटल हो गई, उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या हो गया जी हो गया, तो सबसे सिंपल सवाल तो यही है। सवाल को और टफ करेंगे तो क्या करेंगे, वेलोसिटी किसी पॉइंट पे ले लेंगे, वहां पे करके निकालेंगे, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेना, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन निकाल लेना, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको,
अच्छा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी बच्चे हैं क्या? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बायोलॉजी अटेम्प्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री छोड़ दे रहे हैं या फिजिक्स छोड़ दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है? सब अटेम्प्ट कर रहे हो ना? चलिए ठीक चलिए, ये हो गया सवाल। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। एक और हेडिंग डालिए, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सेंटीपिटल फोर्स में हमने थोड़ा पढ़ लिया, सेंटीपिटल फोर्स में हमने पढ़ लिया। बातें नहीं, तो देखो हमने ये पढ़ लिया कि सेंटीपिटल फोर्स होगा हमेशा क्या होगा, रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए जब भी सर्कुलर मोशन होगा, कभी भी सर्कुलर मोशन होगा तो हमारा क्या होगा, देयर इज ए सेंटीपिटल फोर्स। क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स। और उसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर सेंटीपिटल फोर्स होगा तो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। कभी भी सेंटीपिटल फोर्स होगा तो क्या हो रहा होगा, सर्कुलर मोशन हो ही रहा होगा। क्या हो रहा होगा? सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। और सर्कुलर मोशन कितने टाइप, मतलब क्या है, कोई नया फोर्स नहीं है, टेंशन वगैरह फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है या क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दे विल एक्ट एज ए कैसे, क्या, सेंटीपिटल फोर्स। दे विल एक्ट एज अ सेंटीपिटल फोर्स। उसको कुछ लिखाने की जरूरत तो है नहीं, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए इसमें एक लाइन लिखाते हैं बेटा, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सर्कुलर मोशन, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सर्कुलर मोशन, स्टेप टू सॉल्व प्रॉब्लम इन सर्कुलर मोशन। अच्छा इसमें लिखिए, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द प्लेन, आइडेंटिफाई द प्लेन। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आइडेंटिफाई द प्लेन। आइडेंटिफाई द प्लेन सेकंड, इसमें लिखिए आइडेंटिफाई द प्लेन, फर्स्ट पॉइंट है। इसमें ए लिखिए, हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल, और बी वर्टिकल, बी वर्टिकल। कौन सा प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन है या वर्टिकल प्लेन है? समझा मैंने आपको, दिया ही, हॉरिजेंटल क्या है, जब ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं तो क्या है वो, हॉरिजेंटल प्लेन है, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्या है, वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। और ऐसे ऐसे हो रहा है तो क्या है, सिंपल पेंडुलम है, वो है किसमें, प्लेन में, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम भी किसमें है, हॉरिजेंटल प्लेन में ही, ठीक है। तो सेंटीपिटल इसमें लिखिए, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, आइडेंटिफाई द प्लेन, कौन सा प्लेन हो सकता है, हॉरिजेंटल है या क्या है, वर्टिकल प्लेन। सेकंड पॉइंट लिखिए, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रिजॉल्व द
कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वन इज, आवाज नहीं आ रही, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वन इज अलोंग द रेडियल एक्सेलरेशन, वन इज अलोंग द रेडियल एक्सेलरेशन एंड द अदर इज अलोंग, एंड द अदर इज अलोंग परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन, एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल एक्सेलरेशन। एक लाइन और लिखिए, सेंटीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स टू हैव अ सर्कुलर मोशन। सेंटीपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स टू हैव अ सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंपल पेंडुलम। ब्रैकेट में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करा रहे हैं सिंपल पेंडुलम का। देखिए, सपोज द बॉब इज स्टेशनरी, इसको क्या बोलते हैं, बॉब, बीओबी। सपोज द बॉब इज स्टेशनरी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखिए, बहुत बेसिक से चलेंगे, पहले तो इसमें प्लेन फाइंड आउट करें, कौन सा प्लेन है। अच्छा, क्यों फाइंड आउट करें, अभी आगे के क्वेश्चनों में पता चलेगा, अभी इस क्वेश्चन में इतना फायदा नहीं है। तो हमारा क्या हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई, पूरा तो ना घूम रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे ये है ना, इसकी वेलोसिटी, एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा, एक्सेलरेशन होगा, जैसे ये देखो ना, ये इधर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है। अब देखो ये यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे मान लीजिए मैंने इसको पकड़ लिया, ये बॉब है, इसको मैंने यहां पे पकड़ लिया, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, क्या होगा, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। सपोज द बॉब इज स्टेशनरी, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, ये हमें हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करने के लिए हम जाएंगे स्टेप के ऊपर। स्टेप पहला क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेन, ठीक है, पता चल गया हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ज्यादा उससे चर्चा नहीं करेंगे, आगे समझ में आएगा क्यों हम इसको समझ रहे हैं। सेकेंड वाला पॉइंट, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, एमजी, क्या एक्ट कर रहा है, mg, ये हो गया mg, और ये 37, तो ये भी 37, ठीक है ना। Resolve the component of force, one is along the radial acceleration, तो देखो radial direction में कर लिया ना, mg cos 37, और उसके क्या है, second is along the perpendicular to the radial acceleration, radial acceleration ये क्या है, perpendicular है, radial acceleration के perpendicular है। तो इसका अगर हम क्या बनाए, FBD बनाए, तो हम क्या कह सकते हैं, टेंशन कितना होगा, टी बराबर क्या होगा, टी बराबर एमजी कॉस 37, टी बराबर क्या होगा, एमजी कॉस 37। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, एम की वैल्यू दी है क्या,
एम की वैल्यू मान लिया 1 kg, एम बराबर 1 kg, एम बराबर 1 kg, तो 1 × 10 cos 37 4/5 कितना हो गया 8 newton, कितना हो गया 8 newton। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, ये सर्कुलर मोशन कर रही है बॉडी? सर्कुलर मोशन नहीं कर रही है। तो सेंटीपिटल एक्सलरेशन है? नहीं है। सेंटीपिटल फोर्स नहीं है ये, क्या है ये? टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब आपका मोशन स्टार्ट हो जाएगा तब क्या होगा? हमारा सेंटीपिटल फोर्स भी और क्या होगा, एक्ट करने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, अगर हम क्वेश्चन करें नेक्स्ट, तो ये जो बॉब है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है, वी बराबर क्या है 5 m/s, और एम बराबर क्या है 1 kg, 1 kg। बताओ व्हाट इज द टेंशन, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? बताइए व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए। कितना होगा 6, वेरी गुड। और बच्चे बताओ,